हेलो दोस्तों, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। साइंस के जो भी बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं लगभग 20 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। मैथ का पेपर एक आरबीएससी बोर्ड का, वो 26 तारीख तक जा रहा है। जैसे ये बोर्ड की परीक्षाएं कंप्लीट होगी, सब बच्चे अपने सपनों के हिसाब से जिन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं उनकी परीक्षाएं शुरू होगी। फॉर एग्जांपल जेई मेंस है, एडवांस है, नीट है, जेएट, आईसीआर, बीएचयू, ये सभी परीक्षाएं होनी है। 20 तारीख बाद में लगभग क्रैश कोर्स शुरू होंगे इनके। तो बहुत सारे गार्जियंस फ़ोन कर रहे हैं कि सर हम आपके यहाँ बच्चे को भेज रहे हैं या भेजना चाहते हैं, लेकिन क्या आप सिलेक्शन की गारंटी लेते हो? तो उस गारंटी वर्ड का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। सबसे पहले तो मैं गार्जियंस का एक भ्रम ख़त्म करना चाहता हूँ, स्टूडेंट का भी ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपके लिए कोचिंग ही सब कुछ है। पिछले 10 साल से 4 अप्रैल 2011 की रॉयल की ओपनिंग है, उसके बाद में मेरा ये पर्सनल अनुभव रहा है कि एक सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए एक संस्थान का कितना योगदान होता है। मात्र 10% योगदान एक इंस्टीट्यूट का होता है, 50% योगदान बच्चे का होता है, 40% योगदान बच्चे के घर वालों का होता है। ये सब एक हो तब जाके 100% होता है, बच्चा सिलेक्ट होता है। इनमें कहीं पर भी एरर हो तो कुछ ना कुछ नंबर से बच्चा रह जाता है। तो पहली चीज़ तो क्लियर होगी कि संस्थान सब कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट सब कुछ नहीं है। अब अगर बात करते हैं कि हम रॉयल में आए तो रॉयल में क्यों आए, आप बिल्कुल रॉयल में आए, हमारा बेहतरीन रिजल्ट है, उसके पीछे कारण है वो आप सुने। हमारा काम है बच्चों को मेहनत कराना। अगर किसी बच्चे को रेस में दौड़ाना हो इन बाई केस, तो आप केवल उसको खाना खिलाओ, उसको बादाम खिलाओ, उसको काजू खिलाओ, ड्राई फ्रूट्स खिलाओ उसको, और अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है तो वो रेस नहीं जीत सकता। तो हमारा काम यह खुराक देने का है। अगर बच्चा नहीं चाह रहा या बच्चा मान लो उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं कर रहा है, रेगुलर मेहनत नहीं कर रहा, तो रिजल्ट में कन्वर्ट कभी नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप उस संस्थान में बच्चे को भेजें जो आपके बच्चे को मेहनत करा सके, जो आपको बच्चे को मोटिवेट कर सके। केवल पढ़ाना ही सब कुछ नहीं है, एक रिजल्ट में कन्वर्ट बच्चा जब होता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। कई बार बच्चा पढ़ता है, टेस्ट में नंबर नहीं आते, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ का जब ध्यान दिया जाता है तो लास्ट में बच्चा रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। मैं संस्थान की बता दूँ, 2011 से हमने बेहतरीन रिजल्ट दिए, हमने ऑल इंडिया टॉपर्स दिए हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर, इसके अलावा राजस्थान टॉपर दिया है जनरल कैटेगरी से लेके अलग अलग कैटेगरी में टॉपर्स दिए हैं। इसके अलावा चाहे बीएचयू हो उसमें भी हमने ऑल इंडिया 5वीं 12वीं 28वीं रैंक दी है। आज राजस्थान के और भारत के जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं हर जगह रॉयल का बच्चा पढ़ रहा है। उसके पीछे रॉयल का स्टाफ प्लस रॉयल में पढ़ने वाले बच्चे की मेहनत है, बच्चे की लगन होनी चाहिए, या फिर बच्चे के लगन लगाने की क्षमता इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। कई बार गार्जियंस फोन करते हैं ये भी, अरे सर मेरा बच्चा तो कमजोर है, अरे मेरे बच्चे के तो 56% है, आप क्या सोचते हो मेरा वाला बच्चा निकलेगा? तो मैं उनके लिए स्पष्ट जवाब देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के अंदर सरस्वती माँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। जो सरस्वती माँ के साथ में जितना अटैच रहता है वो उतना ही होशियार होता है, जितने टाइम तक रहता है उतने टाइम तक होशियार होता है। तो आप बच्चे को कमजोर किसी भी दृष्टि से ना कहें, उसके लिए मैं, आप चाहे तो मेरे को व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं कि आप प्रूव करो इस चीज़ को। मैंने 140 बच्चे पिछले 2-3 साल के बच्चों को 140 बच्चों के सब ग्रुप बनाए जो सभी गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्टेड है और उनके किसी न किसी बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन नहीं है। समाज की नज़रों में, लोगों की नज़र में या अपने पेरेंट्स की नज़र में 53% का बच्चा फेलियर है, लेकिन इस संस्थान ने 140 बच्चे ऐसे निकाले जिन बच्चों का ऑल इंडिया के अंदर या तो ICR के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है या राजस्थान में GET के थ्रू एडमिशन हुआ है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चों को एक तो कमज़ोर ना कहें, एक किसी भी इंस्टीट्यूट पर विश्वास नहीं करें कि ये गारंटी से सिलेक्शन करवा देंगे। अगर आपका बच्चा मेहनत करना चाह रहा है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसको मोटिवेट करना है, ये सब कुछ एक इंस्टीट्यूट का काम होता है, तो वो हमारे काम है। आपका बच्चा ये चाहे कि मुझे सिलेक्शन करवाना है तो उसके लिए जितनी मेहनत करवानी है उतनी मेहनत ये रॉयल संस्थान करवाएगा और करवा रहा है। तो आप बुकलेट में हमारे सिलेक्शन देख के या आपके गांव से कोई सिलेक्शन हो गया तो आप ये सोचो कि मेरा बच्चा भी मैं रॉयल में भेज दूँ उसका भी हो जाएगा, आप इस गलत फहमी में ना रहें। आप बच्चे को ये क्लियर करके लाएं कि जिस बच्चे का यहाँ से सिलेक्शन हुआ उस बच्चे ने हार्डवर्क किया है, पुराना उसका क्या रिकॉर्ड है, पुराना उसको क्या आता है। मैं संस्थान में एक भी क्वेश्चन बच्चे का एडमिशन टाइम नहीं पूछूंगा कि उसे पहले से क्या आता है।
हमारे पास ऐसा बेहतरीन स्टाफ है कि पढ़ाई हुई हर चीज़ बच्चे के समझ में आएगी। तो पढ़ाने के बाद में बच्चे को याद कैसे कराएं, उसके लिए भी हम हर एक हमारी तरफ से प्रयास करते हैं और बच्चे को याद कराने की कोशिश करते हैं। याद कराने के लिए बच्चे को DPP देते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, इसके अलावा हर संडे टेस्ट लेते हैं। 4 अप्रैल 2011 की रॉयल की ओपनिंग है, उसके बाद में आज तक एक ऐसा संडे नहीं गया जिस दिन रॉयल में टेस्ट नहीं हुआ। 10वां साल हमें चल रहा है, हर संडे हर रविवार रॉयल के अंदर टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट गार्जियंस को भेजी है। अगर बच्चे के कम नंबर आए या कैसी भी उसकी पोजीशन रही हो तो हमने हर संडे मोटिवेशनल सेमिनार रखा है। सेमिनार के अंदर बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं, किसी भी बच्चे को ये नहीं कहते कि एग्जाम ही तेरे लिए सब कुछ है, हम उसको मेहनत कराना सिखाते हैं। कई बार अपन देखते हैं, सुनते भी हैं कि कई बार मेहनत करने वाला होता है वो पटवारी नहीं बनता, कलेक्टर बन जाता है। तो बच्चों को इस तरीके से हम पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं कि एग्जाम सब कुछ नहीं है, लेकिन टाइम सब कुछ है। 24 घंटे है अपने पास, जितना सोना है अपने पास, सोने के लिए 6-7 घंटे सफिशियंट है, सो, इसके अलावा कुछ अदर एक्टिविटी करो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई पे दो, अपने टारगेट पे दो। और जिस जिस बंदे ने इस दुनिया में मेहनत की है उसने 100% अचीव किया है। इसी सोच के साथ हम बच्चों को मेहनत कराते हैं। और होशियार कमजोर की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि स्टाफ इतना जबरदस्त है, हर सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 फैकल्टी है और अपने सब्जेक्ट में सब एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है आज के बच्चे को कैसे पढ़ाना है। इसके अलावा डिसिप्लिन मायने रखता है, जैसे हमारे संस्थान के अंदर किसी भी बच्चे को मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, क्लास के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, और मोबाइल के प्रति मोबाइल से क्या नुकसान है ये बच्चों को हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, ताकि बच्चे उस जहां मोबाइल में टाइम खराब करते हैं उस जगह बच्चा टाइम खराब करे नहीं। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारी चीज़ें, अगर आप आओगे तो मैं डिस्कस करूँगा ऑफिस में, आपसे बताऊंगा आपको कि सिलेक्शन कैसे होता है और उसके लिए कैसे प्रयास कराए जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि गारंटी के नाम से रॉयल में कुछ भी नहीं है, अगर बच्चा मेहनत करना चाहे तो बाकी बच्चे जैसे सेलेक्ट होकर आज ऑल इंडिया में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपका बच्चा भी शायद उनमें से एक होगा, लेकिन मेहनत करना चाहे तो बच्चे को यहाँ उदयपुर लाने का कष्ट करना, गारंटी के लिए किसी भी संस्थान में आप गारंटी वर्ड के साथ में एडमिशन के लिए नहीं जाएँ। थैंक यू वेरी मच।